माना लंबाई बराबर एक्स मीटर, चौड़ाई बराबर, तो यहाँ पे जो परिमाप है कितना है 80 टोटल। यहाँ 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 इनको चारों को जोड़ा जाए ना, चारों जो भुजाएं हैं इनको जोड़ दिया जाए तो है कितना 80, और अगर इनको केवल दो को जोड़ा जाए तो कितना फिर रहेगा 40 रहेगा। ठीक, यानी कि इसमें ये थोड़ा समझो, x और प्लस वाई बराबर कितना 40, यानी इनको और इनको जोड़ दिया जाए तो कितना 40 रहेगा। तो यहाँ पे लंबाई कितनी x, और यहाँ से देखो चौड़ाई, चौड़ाई वाई। ठीक, तो इसमें वाई रखना नहीं है, हमें वाई हमें रखना नहीं है। ठीक, तो केवल हमें केवल एक लेना है, केवल एक चर लेना है, ठीक नहीं। तो अगर इनका पक्षांतरण कर दिया जाए तो इधर कितना हो जाएगा, वाई बराबर 40 माइनस एक्स, ये हो जाएगी इनकी चौड़ाई। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई। यहाँ पे जो क्षेत्रफल बताया गया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, कितना 400, तो इसमें लिख देना है सीधा सीधा 400, ठीक, मीटर स्क्वायर। फिर आगे दिया गया है ये लंबाई और ये है चौड़ाई, है कि नहीं। तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला का है लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का मान x और चौड़ाई का 40 माइनस एक्स, इनको आपस में गुणा कर देना है, बराबर कितना आ जाएगा 400। अब यहाँ से द्विघात समीकरण हमें बना लेना है, क्या बना लेना है, द्विघात, द्विघात है कि नहीं, दो घात वाला समीकरण। तो यहाँ पे x का 40 से गुणा कितना हो जाएगा 40x, और x का जब इनसे गुणा होएगा ना तो कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 400। अब 400 का पक्षांतरण कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा 40x, 40 और माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 400 बराबर, कोई समस्या, केवल इनको इधर लाया गया है बस, अब इनको मानक रूप में लिख देना है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 40x और माइनस 400 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे माइनस एक से गुणा कर देना है, ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 40x और यहाँ पे 400 बराबर 0। अब देखो दो संख्याएं इसी, दो ऐसी संख्याएं जिनको गुणा कर दिया जाए तो कितना है 400 है, और जोड़ दिया जाए तो 40 आ जाए, तो 20 का 20 से गुणा 400 और 20 का अगर जोड़ दिया जाए तो कितना 40। तो यहाँ पे थोड़ा समझो, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कर देना है माइनस 20x करना है, माइनस और माइनस फिर 20x माइनस में दोबारा, है कि नहीं, 20x माइनस और 20 माइनस x, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस, यही तो, और 20 का 20 से गुणा कितना 400 और माइनस माइनस, ठीक, जब इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 माइनस माइनस प्लस, और जब इनको जोड़ेंगे है कि नहीं, तो यहाँ पे प्लस बराबर 0। कोई समस्या, अब इसमें कॉमन बना लेना है, है कि नहीं। तो दोनों में x है x, तो x बाहर कर लिया जाए, बच्चा यहाँ पे x माइनस 20 और यहाँ पे 20 बाहर करना है, बच्चा का यहाँ पे x और माइनस यहाँ पे 20, ब्रेकेट बंद बराबर 0। समझो जब इनको गुणा करेंगे तो फिर यहाँ पे आप पहुँचेंगे। अब देखो x माइनस 20 दोनों में है, तो यहाँ पे निकाल लेना है x माइनस 20, बचा का इधर x माइनस, अब देखो सेम सेम है ना, तो इसमें हमें लिख देना है यद x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर क्या 20, ये x बराबर क्या माना गया है लंबाई, है कि नहीं। अगर यहाँ से लिया जाए तब भी यही सेम आएगा, है कि नहीं। देखो यद फिर से यहाँ से लिया जाए x माइनस 20 बराबर कितना 0, x बराबर 20, कोई समस्या। तो लंबाई फिर
बीस, तो इसमें हमें लिख देना है लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई बराबर 40 माइनस एक्स, 40 माइनस और एक्स बराबर है कितना 20, तो बराबर कितना 20 मीटर, यानी चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 20 मीटर। कोई समस्या?